बोले सो निरपह जय भीम जय भीम जय पाल बाबा साहब तोड़ी सोच ते जय पाल जय भीम जय पाल बाबा साहब तोड़ी सोच ते भीमा तेरी सोच ते जो बोले सो निहाल अज जो बेगमपुरा टाइगर फोर्स के कौमी चेयरमैन बिला दिवाल ते कौमी प्रधान अशोक सल्लन जी के दिशा निर्देशों अनुसार अज जो थाना मॉडल टाउन के बाहर इकट्ठ किया गया ये दो रीजन आ एक तो अवतार सिंह नामक बंदे नू नजायजी एक तरह का उहदा नाम पा के उन्हूं जेल दे विच डक दिता और दूसरा जिहड़ा मसला वह थाणा जिहड़ी चौंकी अपोर हीरा की नाम से उन्हां दा सोम प्रकाश जी ओम प्रकाश जी उन्हां दी डैथ हो गई सी पर उन्हां दे नाल जिहड़ा एक मुंडा बैठा सीगा उहदा कहना आ ड्राइव कर रहे सीगे कि उहदा कहना आ कि जिहड़े उन्हां दे फादर साहब की डैथ हैगी ट्राले दे थे हेठा आ के होई आ जबकि उस वेले पुलिस नूं उन्हां ने दस्या भी सी कि ट्राले दे हेठा आ के डैथ होई आ पर उन्हां ने एक जिहड़ा प्रवासी हैगे आ उहनां दे नाल उह कहता कि जी इह भईए दे नाल डैथ हो के लग के एक्सीडेंट हो के डैथ होई आ पर जबकि उस वेले जिहड़ा ट्राले दा मालक सीगा पीड़ित परिवार नूं पहला 1,00,000 रुपया फिर 4,00,000 रुपया दिंदा सी परिवार जिहड़ा हैगा आ उह बड़ा ही गरीब परिवार आ उह दूसरे मुंडे दी लत टुट गई सी पुलिस ने ना तो उह मुंडे दे बयान ले उह मुंडे दे जिहड़ा सीगा उहदे चाचे दे बयानां दे आधार ते परचा कर दित्ता अज जिले पुछदे आ तुहाडे कोल वीडियो पहलों कहिंदे सी तुहाडे कोल वीडियो हैगी आ जी उहदे प्रूफ दे आधार ते असीं जिहड़ा उह मुंडे नूं बाहर जिहड़ा ट्राले वाले नूं बाहर करता असीं मेरी SHO साहब नाल कनैल भाजी उहनां नाल गल होई उह कहिंदे जी तुसीं उत्थे जा के देख लो पहलां तां कनैल भाजी उहनां दा जिहड़ा गल करन दा लहजा मैनूं चंगा नहीं लगा वी अफसर आ जावे फिर आपां गल नहीं सुणांगे फिर अज तां आपां थाने दा घराओ कीता फिर कल नूं आपां मिनी सैक्रेटरीएट अगे जा के उत्थे पक्का धरना ला देंगे परिवार मैं यही कहनी हाँ कि मेरे बंदे ने बेकसूर फसाया गया 307 परचे विच उन्हां दा नाम कढ़ना चाहिए जिस टाइम लड़ाई हुई है असीं इत्थे सीगे कलगीधर गुरुद्वारा साहब दवाई लेंदे पे सी अपने बच्चों की मेरे को सारे प्रूफ ने वीडियो से सारा कुछ मैं सबूत कर सकती हाँ जदों मैनूं बुलाया जाऊगा DSP साहब के सामने मैं यही कहनी हाँ कि मेरे बंदे का नाम कढ़ना चाहिए परचे चो सानूं इंसाफ मिलना चाहिए आ जो तथा आधार से जी रिपोर्ट है वह बनूगी तुहानू बिल्कुल टेंशन लैण दी लोड़ नहीं सारा प्रशासन तुहाडे नाल सर इन्हां नूं एसीबी इन्हां दा कोई मुकदमा दर्ज होया तुहानू इंज लग रहा सी कि लड़की नूं कि मेरे घर वाले जिहड़े आ उहदा कोई कसूर नहीं हैगा उह ते नजायज़ परचा दर्ज होया जबकि मैडम ने यह की जे तुहानू इंज लग रहा भी कोई तुहाडे नाल इदां दी कोई गल होई है तो उहदे वास्ते तुसीं अपनी कंप्लेंट लिख के मानयोग SSP साहब जिहड़े 24 आवर साडे कोल अवेलेबल है तुसीं उहनां कोल जा के पेश हो के दरखास्त लेके जो अपना पक्ष है वह रखो तुसी ते जो उहदी हैगी इनकुआरी वह पाओ तुसी वह हुण उन्हां ने ठीक है इस गल नूं मन्निया कि लड़की उहदे कहिण मुताबक सी इन्हां ने ऑनलाइन कंप्लेंट पाई है ऑनलाइन कंप्लेंट पाने तों बाद एक दरखास्त जिहड़ी दस्ती भी PC ब्रांच देनी पैंदी वह नहीं दित्ती इन्हां ने उहदे करके हुण दुबारे जा रहे हैं मानयोग SSP साहब नूं मिलणगे वह इनकुआरी अगे मार्क कर देणगे जिहदे खिलाफ़ जो तत्थां दे आधार कार्रवाई बनदी है वह ते कीती जाऊगी नहीं सर इस तरह नहीं हुंदा क्योंकि पब्लिक नूं समझ दे कि उन्होंने जो पुलिस की जो दरखास्त की जो ग्रैविटी हुंदी है जो डूंघाई है उहदे बारे पुलिस नूं पता हुंदा आम पब्लिक नूं इहदे बारे नहीं पता जिद करके वह कह रहे हैं पर फिर भी जो उन्होंने कोई लगता है तो सीनियर अफसर बैठे वह जाके पेश हो के उन्होंने अपनी दरखास्त दे के जिहड़ी दरखास्त दी हैगी इनकुआरी है वह करवा केस की इनकुआरी है करवा सकते सर कित्थे गलती मानते हो कि मोस्टली इदा ही हुंदा कि जिहड़ा बेदोषी हुंदा उत्ते परचा हो जाता और जिहड़ा दोषी हुंदा वह विचों निकल जाता नहीं सर इस तरह नहीं हुंदा इदा नहीं हुंदा वह तो देखो हुण पुलिस अफसर है तो इंसान ही है ना जो किसी ने उस टाइम तो हालात है जो बयान देने हैं तत्थां दे आधार पर जो कार्रवाई है वह हो जानी है पर फिर भी हुण मैं तीसरी बार लगा कहन फिर भी जिहड़े नूं कोई इहदे विच शंका लगती है
ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ